वेलकम गाइस, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं रीनल पैथोलॉजी से, और पिछले जो हमने डिस्कस किया था एक्यूट सिस्टाइटिस एंड पाइलोनेफ्राइटिस को, ठीक है। सो आज हमारा टॉपिक जो है एक्यूट किडनी इंजरी, राइट। एक्यूट किडनी इंजरी ये असल में तीन टाइप्स होती है, ठीक है। प्री रीनल एजियोटीमा, इंट्रेंसिक रीनल फेलियर, पोस्ट रीनल एजियोटीमिया। एजियोटीमिया कहते हैं जब ब्लड के अंदर यूरिया एंड क्रिएटिनिन लेवल जब ज़्यादा होता है उसको हम एजियोटीमिया कहते हैं, ठीक है। एजियोटीमिया वेन इंक्रीज लेवल ऑफ यूरिया एंड क्रिएटिनिन इन ब्लड, राइट। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एजियोटीमिया। और जब सिर्फ जो है यूरिया का लेवल जब ब्लड के अंदर ज़्यादा होगा तो उसको हम लोग कहते हैं यूरीमिया, राइट। तो ये दो आप लोगों ने याद रखना है। अब हम आते हैं प्री रीनल एजियोटीमिया, इसकी एटियोलॉजी में। अगर इसकी एटियोलॉजी आप देखें तो जब भी प्री रीनल एजियोटीमिया होगा, मीन ब्लड ब्लड के अंदर अगर क्रिएटिनिन एंड यूरिया ज़्यादा हो गया तो फिर क्या होता है, हाइपोवोलीमिया होगा, ठीक है। हाइपोवोलीमिया, राइट। डिक्रीज कार्डिक आउटपुट, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होगा। डिक्रीज इफेक्टिव सर्कुलेटिंग वॉल्यूम, एग्जांपल हार्ट फेलियर, लीवर फेलियर, राइट। सो सर्कुलेटिंग वॉल्यूम जो है वो भी क्या होगा, कम होगा। उसके बाद हम नीचे आते हैं, यहाँ पे अगर देखें इसकी पैथोफिजियोलॉजी, अगर प्री रीनल एजियोटीमिया की पैथोफिजियोलॉजी में आप देखें तो यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज रीनल ब्लड फ्लो, रीनल ब्लड फ्लो कम होगा। जब रीनल ब्लड फ्लो कम होगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कम होगा। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जब भी कम होगा सो एज अ रिजल्ट इंक्रीज अब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, वाटर और सोडियम की अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी एंड यूरिया की, राइट। यूरिन ऑस्मोलैरिटी MOSM पर के जी ये लिखा है, ठीक है। ये क्या होगा, इंक्रीज होगा देन 500। यूरिन में अगर हम सोडियम को देखें, मिली इक्विलेंट पर लीटर, ठीक है, इसका मतलब है मिली इक्विलेंट पर लीटर, सो ये लेस देन 20 होगा, राइट। फ्रैक्शन एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम को अगर देखें तो ये लेस देन 1% होगा। सीरम BUN कहते हैं ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ठीक है, बाय क्रिएटिनिन, अगर इसको देखें तो ये ग्रेटर देन 20 होगा। ये किस में होगा, प्री रीनल एजियोटीमिया में। इंट्रिंसिक रीनल फेलियर में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होता है, ट्यूबुल्स एंड इंटरस्टिशियम। सबसे पहले हम देखेंगे ट्यूबुल एंड इंटरस्टिशियम में, उसके बाद फिर ग्लोबेरुलस में, फिर वास्कुलर में, ठीक है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें ट्यूबुल एंड इंटरस्टिशियम में क्या होगा, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस होगी। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, जब ये नेक्रोसिस होगी तो क्या होगा, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, मीन इस्कीमिया हो जाएगा, ठीक है। नेफ्रोटॉक्सिन्स वगैरह होगा एंड एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस होगा, ठीक है। उसके बाद ग्लोमेरुलस में एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होगा। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मीन ग्लोमेरुलस एंड नेफ्रॉन्स वगैरह जो है उनकी क्या होगी, इन्फ्लेमेशन होगी, राइट। उसके बाद वास्कुलर में अगर देखें तो यहाँ पे क्या होगा, वास्कुलाइटिस होगा। वास्कुलाइटिस कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लड वेसल, ब्लड वेसल की क्या होगी, इन्फ्लेमेशन होगी, ठीक है। सो वास्कुलाइटिस होगा। वास्कुलर में हाइपरटेंसिव इमरजेंसी होगी, TTP HUS, इसका मतलब है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया परपूरा, राइट। एंड HUS का मतलब है हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। सो यहाँ पे क्या होगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया परपूरा एंड हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम, राइट। अगर इसकी हम पैथोफिजियोलॉजी देखें तो यहाँ पर क्या होगा, इन ATN कहते हैं एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, यहाँ पे क्या होगा, ट्यूबुल वगैरह उनकी नेक्रोसिस होगी, पेची नेक्रोसिस होगी, डिब्रेस अब्स्ट्रेक्टिंग ट्यूबुल, राइट। एंड फ्लो बैकवर्ड फ्लो करेगा, सो एज अ रिजल्ट जो है डिक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होगा, राइट। अगर हम इसकी यूरिन ऑस्मोलैरिटी देखें तो यहाँ पे यूरिन ऑस्मोलैरिटी जो है वो क्या होगा, लेस देन 350 होगा। अगर यूरिन सोडियम में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर देन 40 होगा। इसकी जो है फ्रैक्शन एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम को अगर देखें सो ग्रेटर देन 20% होगा, किस में, इंट्रेंसिक रीनल फेलियर में, ठीक है। एंड सीरम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बाय क्रिएटिनिन ये लेस देन 15 होगा, राइट। उसके बाद ये पोस्ट रीनल एजियोटीमिया, एजियोटीमिया आप लोगों को मैंने एक मिनट फिर बताना है, एजियोटीमिया क्या होता है, एक होता है यूरिमिया, एक होता है एजियोटीमिया। यूरिमिया वही होता है जब भी ब्लड के अंदर यूरिया की लेवल ज़्यादा होता है तो उसको यूरिमिया कहते हैं, ठीक है। एंड जब ब्लड के अंदर यूरिया एंड क्रिएटिनिन दोनों ज़्यादा होगा, लेवल एबनॉर्मल होगा, सो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एजियोटीमिया। पोस्ट रीनल एजियोटीमिया में स्टोन होता है, ठीक है। इसकी एटियोलॉजी क्या होती है, स्टोन होती है, एटियोलॉजी या काजेज, इसकी काजेज क्या है, स्टोन, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लाइजिया, न्यूप्लाज्म, कॉन्जेनिटल एनोमलीज एबनॉर्मलिटी, ठीक है, पैदाइशी जो एबनॉर्मलिटी होगी वही होगा।
पैथोफिजियोलॉजी इसके अगर देखें आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन बाइलेटरल बाइलेटरल होगा ठीक है, यहाँ पे आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होगी, रिकाउट वगैरह होगी एंड उसके बाद है यूरिन असमोलरिटी, यहाँ पर वेरीज करेगा। दूसरा जो है यूरिन सोडियम अगर देखें तो ये भी वेरीज होगा ठीक है, एंड फ्रैक्शन एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम ये भी वेरीज करेगा, वेरीज होगा। एंड सीरम बी यू एन किसे कहते हैं, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बाई क्रिएटिनिन, ये भी क्या करेगा, वेरीज चेंजेस होगी ठीक है इसके अंदर। सो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक को अगर आप देखें, नेक्स्ट टॉपिक को यहाँ पे है हमारा नेक्स्ट टॉपिक राइट, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस राइट। एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस बहुत ईजी है, आल्सो कॉल्ड ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। तो इसमें क्या होती है, ये ट्यूबुल्स वगैरह ट्यूबुल्स होती है या इंटरस्टिशियल टिश्यू जो होते हैं उनकी क्या होते हैं नेफ्राइटिस सॉरी आल्सो कॉल्ड ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। सो ये किडनी के अंदर जो ट्यूबुल्स होते हैं ये इंटरस्टिशियल टिश्यू जो होते हैं ठीक है उनकी क्या होगी इन्फ्लामेशन होगी। एक्यूट इंटरस्टिशियल रीनल इन्फ्लामेशन राइट, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है पाई यूरिया होगा पस इन यूरिन ठीक है, पाई यूरिया क्लासिकली इसिनोफिल्स, क्लासिकली क्या होगा इसिनोफिल्स इसमें होंगे यहाँ पे। एंड एजोटीमिया अकोरिंग आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग दैट एक्ट एज हेप्टीन इंड्यूसिंग हाइपर सेंसिटिविटी, एग्जाम्पल डायूरेटिक इनसेट इंसुलिन डेरिवेटिव प्रोटॉन पंप इनहिबिटर रिफम्पिन, ये रिफम्पिन ये तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर आप लोगों को पता है स्टोमिक के लिए ज्यादा वो होती यूज़ होती है, रिफम्पिन ये तो एंटी ये टीबी ड्रग है ठीक है, एंड कोनेलोन्स कोनेलोन्स सल्फानामाइड्स ठीक है सल्फोनामाइड्स राइट। दिस कॉमनली मे बी सेकेंडरी टू अदर प्रोसेस सच ए सिस्टमिक इन्फेक्शन, सिस्टमिक इन्फेक्शन की वजह से ये क्या होती है ये सेकेंडरी होती है राइट, एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा और ऑटो इम्यून डिजीज में एग्जाम्पल कौन से होते हैं सोजरन सिंड्रोम SLE तो आप लोग को पता होगा सिस्टमिक लूपिस लूपस एरिथमेटस राइट, सिस्टमिक लूपस एरिथमेटस ये बेसिकली इम्यून इसमें इम्यून सिस्टम जो है वो क्या करता है, ये हमने पिछले पढ़ लिया था, ये एंटीबॉडीज़ वगैरह बनाता है और फिर वो क्या करते हैं उसके खिलाफ मतलब अपने सिस्टम के खिलाफ ही क्या करते हैं ऑर्गन्स जॉइंट्स वगैरह उनके ऊपर इफेक्ट करते हैं ठीक है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। एंड सार्कोडोसिस तो आप लोगों को पता होगा ये क्या होता है मल्टी सिस्टम ग्रेनुलोमेटस डिजीज ऑफ अननोन एटियोलॉजी, यानी ये मल्टी सिस्टम डिजीज होती है ठीक है, मल्टी सिस्टम इसमें मल्टी सिस्टम ग्रेनुलोमेटस ग्रेनुलोमेटस डिजीज ऑफ अननोन एटियोलॉजी आप लोगों ने याद रखना है। और यहाँ पे सोजरन सिंड्रोम अगर इसको अगर आप देखें तो ये क्या होता है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इसके भी अननोन काजेज है, इसमें ये डेवलप इस वजह से होता है जब भी क्रोनिक डिसफंक्शन हो एंडोक्राइन ग्लैंड के ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो उसके अगर क्रोनिक डिसफंक्शन हो यानी फंक्शन उसका ख़राब हो तो इस वजह से ये सोजरन सिंड्रोम जो ये क्या होती है हो जाती है ठीक है अराइज होती है। सो ये सिंपल है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, अगर आप यहाँ पे देखें तो एसोसिएटेड अगर ये एक्यूट ट्यूबुलर एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस अगर हो गई सो इसका क्लिनिक क्या होगा, एसोसिएटेड विद फीवर रश पायूरिया रशेज वगैरह होंगे ठीक है, पायूरिया होगा पस एंड यूरिन हिमाचूरिया आप लोगों को पता है, एंड कोस्टो वर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस ये भी हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे वो कोस्टो वर्टिब्रल जो एंगल है उसमें क्या होगा टेंडरनेस आएगी बट कैन बी एसिप्टोमेटिक होगा, ये हमने पीछे ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। रिमेंबर दिस फाइव पीस, यहाँ पे आप लोगों ने फाइव पीस याद रखना है, ये फाइव पीस है ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है, ये इसका बेसिकली क्लिनिक है। अगर आप क्लिनिक देखें तो ये पी होगा ठीक है, फाइव पीस से पी से क्या आता है पीस यानी यूरिनेशन, डायूरेटिक्स उसके लिए देंगे, पेन फ्री हम इनसेट देंगे ठीक है, नॉन स्टीराइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देंगे, पेंसिलिन एंड सेफालोस्पोरिन देंगे राइट, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ये देंगे, रिफम्पिन देंगे, एंटीवायरल ड्रग है एंड सल्फा ड्रग देंगे राइट। सो सिंपल, यहाँ पे कोई इस तरह खास बात नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम यहाँ पे आते हैं अभी, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा अभी न्यू नेक्स्ट टॉपिक जो है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस है ठीक है, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस मोस्ट कॉमन काज ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी इन हॉस्पिटलाइज पेशेंट, हॉस्पिटलाइज जो पेशेंट होते हैं यानी वो मरीज जो पहले से हॉस्पिटल में हो उनको क्या कहते हैं हॉस्पिटलाइज पेशेंट ठीक है, तो ये ज़्यादातर कॉमन होती है हॉस्पिटलाइज पेशेंट में। स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व इन
मेनी अक्वर्स, बाज केस में ये खुद ब खुद क्या होती है, खुद ब खुद रिकवर हो जाती है, रिजॉल्व होती है, कैन बी फेटल, मोहलिक हो सकती है, जानलेवा हो सकती है, स्पेशली ड्यूरिंग इनिशियल ओलिगोरिक फेस, यानी उसका जो पहला जो फेस आता है ओलिगोरिक फेस, जिसमें यूरिन की प्रोडक्शन क्या होती है, कम होती है, ठीक है। इंक्रीज यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज फ्रैक्शन एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम, फ्रैक्शन एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम। सो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट में जब भी ये फेटल हो सकता है, मीन जानलेवा हो सकती है, स्पेशली ड्यूरिंग इनिशियल ओलिगोरिक फेस। तो पहले फेस में क्या होता है, यूरिन कम हो जाता है, और इसकी जो है फ्रैक्शन एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम इंक्रीज होगी, राइट। की फाइंडिंग ग्रेनुलर कास्ट ऑफ मडी ब्राउन इन अपीयरेंस, अगर इसका अगर आप यहाँ पे ये डायग्राम में देखें तो ये यहाँ पे क्या है, मडी अपीयरेंस है, ठीक है, मिट्टी कीचड़ की तरह इसकी अपीयरेंस होगी। इसके तीन स्टेजेस होते हैं, इनसाइटिंग इवेंट राइट, उसके बाद है मेंटेनेंस फेस, एंड तीसरा है रिकवरी फेस। फर्स्ट फेस है इनसाइटिंग इवेंट, इनसाइटिंग इवेंट मतलब वो जो फेस में उभर जाता है, जो फेस में डिजीज स्टार्ट होती है, उसको इनसाइटिंग फेस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये मेंटेनेंस फेस, मेंटेनेंस फेस में ओलिगोरिया हो गया, मीन यूरिन कम होगा, लास्ट 1-3 वीक, जो लास्ट जो 1-3 वीक में है उसमें रिस्क ऑफ हाइपरकलीमिया, इसमें हाइपरकलीमिया होगा, मतलब वो क्या, उसमें जो है कैल्शियम लेवल जब ज़्यादा होगा, जब भी हाइपरकलीमिया होता है आप लोग को याद होना चाहिए, फिर क्या होता है एरिथमिया आती है, काज होती है, ठीक है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस उसमें हो गया, एंड यूरिमिया होगा, राइट। रिकवरी फेस पोलियोरिक, BUN, ब्लड यूरिन नाइट्रोजन, ठीक है, ब्लड यूरिन नाइट्रोजन, यानी पिछले यहाँ पे पढ़ लिया था, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, राइट, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। सो रिकवरी फेस पोलियोरिया होगा, क्योंकि सेकंड फेस में क्या था, मेंटेनेंस फेस में ओलिगोरिया था, यूरिन लेवल कम था, तो यहाँ पे यूरिन लेवल क्या होगा, ज़्यादा होगा। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड सीरम क्रिएटिनिन फॉल, राइट, रिस्क ऑफ हाइपोकलेमिया एंड रीनल वेस्टिंग ऑफ अदर इलेक्ट्रोलाइट एंड मिनरल्स, राइट। बस इसके बेसिकली तीन टाइप्स होते हैं, एक होता है इनसाइटिंग इवेंट, इनसाइटिंग कहते हैं उभरना, ठीक है, उकसाना, इनसाइटिंग इवेंट है। उसके बाद ये मेंटेनेंस फेस है, एंड थर्ड जो है रिकवरी फेस है, राइट। रिकवरी फेस में क्या होगा, हाइपोकलीमिया होगा, ये याद रखना है, एंड मेंटेनेंस फेस में हाइपरकलीमिया होता है, राइट। हाइपरकलीमिया जब होगा तो फिर एरिथमिया कास्ट करेगा। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, कैन बी कास्ट बाई इस्कीमिक और निफ्रोटॉक्सिक इंजरी। सो ये एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस ये किस वजह से काज होती है, इस्कीमिक या निफ्रोटॉक्सिक इंजरी से काज होती है। फर्स्ट हम इस्कीमिक को देखते हैं, उसके बाद हम निफ्रोटॉक्सिक को देखते हैं। इस्कीमिक सेकेंडरी टू डिक्रीज रीनल ब्लड फ्लो, रीनल ब्लड फ्लो कम होगा, जब ये रीनल ब्लड फ्लो कम होगा तो इस्कीमिया होगा, ये आप लोग को पता है। एग्जाम्पल प्री रीनल एजोटीमिया रिजल्ट इन एडल्ट ऑफ रिजल्ट इन डेथ ऑफ ट्यूबुलर सेल, तो इसमें क्या होगा, ट्यूबुलर सेल्स की डेथ होगी, राइट। हाँ जी, इसका मतलब यह है ब्लड फ्लो जो है वो कम होगा, ब्लड फ्लो जब भी कम होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पे क्या होगा, इस्कीमिया होगा, उसके बाद फिर जो है ट्यूबुल वगैरह में उसकी निक्रोसिस होगी, डेथ होगा, और निक्रोसिस होगी उसके बाद डेथ होगी, ठीक है। डेट में स्लोग इन टू ट्यूबुलर लियोमन, पीटी, पीटी कहते हैं प्रोक्सिमल ट्यूबुल को, राइट। ये स्लोग कहते हैं, इसका मतलब झड़ना, शुरू शुरू मतलब ये डेट में स्लोग इन टू ट्यूबुलर लियोमन, ट्यूबुलर लियोमन में ये फिर क्या होगा, गिरना शुरू हो जाएगा। प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल एंड थिक एसेंडिंग लिम्ब आर हाईली सस्पेक्टेबल टू इंजरी, राइट। सो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल एंड थिक एसेंडिंग लिम्ब जो है ये क्या होता है, आर हाईली सस्पेक्टेबल टू इंजरी, इनमें इंजरी ज़्यादा होती है, राइट। उसके बाद है निफ्रोटॉक्सिक, निफ्रोटॉक्सिक को अगर आप देखें तो सेकेंडरी टू इंजरी रिजल्टिंग फ्रॉम टॉक्सिक सब्सटेंस, ये क्या होता है, सेकेंडरी होता है, रिजल्टिंग फ्रॉम टॉक्सिक सब्सटेंस। एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जांपल अगर आप देखें, सॉरी इसको इस तरह करता हूँ, एग्जांपल अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, रेडियो कंट्रास्ट एजेंट, लीड, सिस्प्लाटीन, इथिनाइल, इथाइलिन ग्लाइकोल, क्रश इंजरी में होती है मायोग्लोबिनूरिया, मायोग्लोबिनूरिया किसे कहते हैं, जब भी यूरिन के अंदर जो है मायोग्लोबिन जो है वो निकलना रिलीज होगा, ठीक है, रिलीज होगा, यस, मायोग्लोबिनूरिया, हीमोग्लोबिनूरिया, ब्लड जो है वो यूरिन के अंदर निकल जाएगा, एंड प्रोक्सिमल प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स आर पार्टिकुलर सस्सेप्टेबल टू इंजरी। सो इसमें प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल जो होते हैं उनकी क्या होती है, इंजरी होती है, राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, डिफ्यूज डिफ्यूज कॉर्टिकल कॉर्टिकल, ठीक है, डिफ्यूज कार्टिकल निक्रोसिस, इसमें क्या होगा, डिफ्यूज कार्टिकल निक्रोसिस एक्यूट जनरलाइज कार्टिकल इन्फ्रैक्शन ऑफ बोथ किडनी। सो इसमें कार्टिक्स जो है उसकी क्या होती है, निक्रोसिस होती है, ठीक है।
ब्लड फ्लो कम होगा, ब्लड फ्लो कम होगा तो क्या होगा, कार्टिक्स उसकी निक्रोसिस होगी, फिर इस्कीमिया होगा, इस्कीमिया के बाद निक्रोसिस होगा, लाइकली ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ वेजोस्पज़म एंड डीआईसी। डीआईसी कहते हैं डिसिमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन, डिसिमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन। सो इसमें क्या होगा, एक्यूट जर्नलाइज कॉर्टिकल इन्फ्लेक्शन ऑफ बोथ किडनी। ठीक है, इन्फ्लेक्शन किसे कहते हैं, जब भी इन्फ्लेक्शन किसे कहते हैं, जब भी कोई एरिया में अगर ब्लड जो है उसकी सप्लाई जो है कम हो, तो एज अ रिजल्ट जो है वो क्या होता है, इफेक्ट होता है इस, और फिर उसकी निक्रोसिस हो जाती है। सॉरी, अगर आप देखें इस टिश्यू डेथ, और जब निक्रोसिस होगी फिर डेथ होगी, इस टिश्यू डेथ ड्यू टू इन एडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू एफेक्टेड एरिया, राइट, एफेक्टेड एरिया। हाँ, इसके अगर हम यहाँ पे देखें, एसोसिएटेड विद ऑब्स्टेट्रिक कैटास्ट्रोप्स, कैटास्ट्रोप्स, ठीक है, कैटास्ट्रोप्स, एग्जांपल अब्रप्शन प्लेसेंटा, यहाँ पे ये कह रहा है एसोसिएटेड विद ऑब्स्टेट्रिक, ऑब्स्टेट्रिक ये गया है, इसको गाइनी से रिलेटेड है, ठीक है, ऑब्स्टेट्रिक कैटास्ट्रोप्स, कैटास्ट्रोप्स कहते हैं तबाही को। तो ये फिर इसमें क्या होगी, यानी एब्रप्शन जो प्लेसेंटा जो है उसमें क्या होगा, वो ख़राब वगैरह हो जाएगा, और ये फिर सेप्टिक शॉक वगैरह होता है। ठीक है, इसमें रीनल पपलरी निक्रोसिस को अगर आप देखें, सो रीनल पपलरी निक्रोसिस, इसमें क्या होता है, रीनल के जो पपीला वगैरह जो है उसमें क्या होती है, इनकी निक्रोसिस होती है। स्लोगिंग, स्लोगिंग किसे कहते हैं, जब मुर्दा वगैरह होना, मतलब कोई चीज़ ख़राब हो गया, जिल्द वगैरह ख़राब हो गया, उसको कहते हैं। ठीक है, स्लोगिंग ऑफ निक्रोटिक रीनल पपीला, इसमें क्या होगा, ये रीनल निक्रोटिक रीनल पपीला जो है वो क्या करेंगे, उसको हटाएंगे। ग्रास सेमाचूरिया होगी यहाँ पे, मे बी ट्रिगर्ड बाय रिसेंट इन्फेक्शन आर इम्यून स्टिमुलस, राइट, एसोसिएटेड विथ क्या, किस चीज़ से एसोसिएटेड है, विथ स्किल सेल डिजीज आर ट्राइट, एक्यूट पाइलोनिफ्राइटिस, एनर्जेसिक एग्जाम्पल एंड सेट डायबिटिस मिलाइटस। तो इसको हम लोग याद करेंगे, इसकी जो एसोसिएशन है इसमें क्या होगा, स्किल सेल डिजीज होगी, ठीक है, एक्यूट पाइलोनिफ्राइटिस होगा। सो इसके लिए हम फिर क्या करेंगे, एनर्जेसिक पेन वगैरह के लिए हम क्या करेंगे, एनसेड देंगे, नॉन स्टीराइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग देंगे, एंड इसमें फिर डायबिटिस मेलाइटिस भी होता है। ठीक है, तो इसको याद करेंगे, सेट पापा विथ पपलरी नेक्रोसिस, इससे क्या होगा, स्किल सेल डिजीज, ए से एक्यूट पाइलोनिफ्राइटिस, ए से एनर्जेसिक, एंड डी से डायबिटिस मेलाइटिस, राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, इनमें से कोई इतनी खास बात नहीं है। ठीक है, अगर आप देखें तो डिफ्यूज कार्टिकल निक्रोसिस में क्या होगा, कार्टिक्स की निक्रोसिस होगी। ठीक है, जब ब्लड सप्लाई कम होगा तो जाहिर सी बात है कार्टिक्स में ब्लड नहीं जाएगा, तो वहाँ पे इस्कीमिया हो जाएगा, उसके बाद फिर उसकी निक्रोसिस होगी और रिजल्ट डेथ होगी। रीनल पपलरी निक्रोसिस वही बात है, उसमें रीनल पपला जो है वहाँ पर क्या होगा, ब्लड सप्लाई नहीं होगा, जब सही ब्लड सप्लाई नहीं होगा एज अ रिजल्ट इस्कीमिया हो जाएगा और फिर निक्रोसिस एंड डेथ हो जाएगी, डेथ मीन टिश्यू की डेथ होगी। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कॉन्सिक्वेंस ऑफ रीनल फेलियर, रीनल जब फेलियर हो गया तो उसके क्या नतज होंगे, क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे। डिक्लाइन इन रीनल फिल्ट्रेशन कैन लीड टू एक्सेस रिटेन नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस। जब ये डिक्लाइन इन रीनल फिल्ट्रेशन, रीनल फिल्ट्रेशन जब भी डिक्लाइन होगा, ख़त्म होगा, सो एज अ रिजल्ट जो है एक्सेस नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है एंड इलेक्ट्रोलाइट वो डिस्टर्बेंस होंगे, यूरिन में रिलीज वगैरह होंगे। ठीक है, सो ये एक रीनल की जब डिक्लाइन होगी सो फिल्ट्रेशन ख़राब हो जाएगा, फिल्ट्रेशन ख़राब हो गया तो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस हो जाएगी। कॉन्सिक्वेंस को हम लोग याद रखते हैं, मेड हंगर, मेड हंगर एम से है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेन कॉन्सिक्वेंसिस इसके रीनल फेलर होगा तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, डिसलिपिडीमिया होगा। ठीक है, डिसलिपिडीमिया एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ लिपिड इन ब्लड, ब्लड में लिपिड की लेवल जो है वो क्या होगी, एबनॉर्मल होगी, स्पेशली इंक्रीज ट्राइग्लिसराइड, इसमें ट्राइग्लिसराइड जो है इंक्रीज होगा, हाई पोटाशियम, पोटाशियम भी क्या होगा यहाँ पे ज़्यादा होगा, यूरिमिया हो जाएगा, सोडियम और वाटर रिटेंशन, सोडियम और वाटर की रिटेंशन हो जाएगी, हार्ट फेलर होगा। जब ये सोडियम एंड वाटर की रिटेंशन होगी एज अ रिजल्ट हार्ट फेलर होगा, पल्मोनरी एडिमा एंड हाइपरटेंशन होगा, ग्रोथ रिटार्डेशन यानी ग्रोथ में फिर क्या होगा, ख़राब हो जाएगी, रिटार्डेशन एंड डेवलपमेंटल डिले, और उसकी डेवलपमेंट भी सही नहीं होगी, एरिथ्रोपोइटिन डिफिशियंसी, और एरिथ्रोपोइटिन की जब डिफिशियंसी होगी तो क्या होगा, एनीमिया होगा, रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी, सो रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी कहते हैं, ये क्रोनिक किडनी की क्या कॉम्प्लिकेशन है, और इसमें
बोन जो है वीक होते हैं, ठीक है। अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीजेस दैट वीकेंस बोन्स, राइट। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रीनल फेलियर, वही बात है, इसको दोबारा देखते हैं। डिक्लाइन इन रीनल फिल्ट्रेशन, रीनल फिल्ट्रेशन जब भी क्या होगा, खत्म होगा, कैन लीड टू एक्सेस रिटेन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस होगी। कॉन्सिक्वेंसेज मेड हंगर से याद कहते हैं, एम से मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक हो गया, ए से एसिडोसिस, डी से डिसलिपिडीमिया। डिसलिपिडीमिया किसे कहते हैं, एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ लिपिड इन द ब्लड, राइट, स्पेशली ट्राइग्ल इंक्रीज ट्राइग्लिसराइड होगा। हाई पोटाशियम यूरिमिया, सोडियम और वाटर रिटेंशन, हार्ट फेलियर, पल्मोनरी एडिमा, हाइपरटेंशन हो जाएगा इसमें, ग्रोथ रिटार्डेशन एंड डेवलपमेंटल डिले होगी, एरिथ्रोपोटीन डिफिशियंसी होगी, एंड इसमें क्या होगा, रीनल रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी, मतलब ये जब ये रीनल की कॉम्प्लिकेशन होगी, एज अ रिजल्ट जो है वो वीक होंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसने लिखा हुआ है, ये क्या है, इसमें टू फॉर्म ऑफ रीनल फेलियर, रीनल फेलियर की दो फॉर्म होती है, एक होती है एक्यूट और दूसरी होती है क्रोनिक। एक्यूट में होता है ए टी एन, हम लोगों ने कहा था एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, एंड एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस होगा इसमें, ठीक है। एंड क्रोनिक में क्या होगा, हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलिटस एंड कंजेनिटल एनोमलीज। सो रीनल फेलियर के टू फॉर्म्स होते हैं, टू टाइप्स, एक्यूट एंड क्रोनिक रीनल फेलियर। एक्यूट में एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस होगी, एंड क्रोनिक में हाइपरटेंशन होगी, डायबिटीज मेलिटस होगी एंड कंजेनिटल एनोमलीज होगी, राइट। इट्स सो सिंपल। इंक्रीमेंटल कहते हैं इजाफे को, ठीक है, इजाफा होना, ज़्यादा होना। इंक्रीमेंटल रिडक्शन इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन डिफाइंस द स्टेजेस ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज, राइट। ये बात याद रखना है, इंक्रीमेंटल रिडक्शन इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जब भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की रिडक्शन हो या इजाफा हो, डिफाइंस द स्टेजेस ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज। तो इसमें क्या हो गया, ये क्रोनिक किडनी डिजीज वो करते हैं, मतलब इसका यह है, इंक्रीमेंटल किडनी इंक्रीमेंटल रिडक्शन इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है उसमें रिडक्शन अगर ज़्यादा हो तो इसको डिफाइन द स्टेजेस ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज, राइट। उसके बाद है नॉर्मल फास्फेट, यहाँ पे ठीक है, नॉर्मल फास्फेट लेवल आर मेंटेन ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 2-3 FGF कहते हैं फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। तो इसमें 23 जो है क्या होगा, नॉर्मल फास्फेट लेवल आर मेंटेन ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। तो इसमें फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर जो है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, विच प्रोमोट रीनल एक्सक्रीशन ऑफ फास्फेट, जो कि फास्फेट की एक्सक्रीशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। यूरिमिया सिंड्रोम रिजल्टिंग फ्रॉम हाई सीरम यूरिया, यूरिमिया के मुकाबले उसमें जब भी यूरिमिया होगा, सो हम लोगों के लिए पहले भी कहा था, एज अ रिजल्ट जो है, सो जब भी यूरिमिया होगा तो एज अ रिजल्ट जो है क्या होगा, यूरिन में ब्लड ब्लड में यूरिन की ब्लड में यूरिया ज़्यादा होगा, तो उसको यूरिमिया कहते हैं, ठीक है। कैन प्रेजेंट विद नाइजिया एनोरेक्सिया, इसमें नाइजिया होगा, एनोरेक्सिया लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, इनसेफेलोपैथी होगी, ठीक है। सीन विद एस्टेरिक्सिस किसे कहते हैं, एस्टेरिक्सिस, ये भी आप लोग को लेता हूँ, आपने फिर लिखना है, एस्टेरिक्सिस एंड पेरिकार्डाइटिस, प्लेट डिसफंक्शन मैनेजमेंट, इसमें डायलिसिस है, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे देखें, इसको हम किससे याद करते हैं, ये इसके लिए फार्मूला है PEAN, ठीक है। यहाँ पे देखें, सिंड्रोम रिजल्टिंग फ्रॉम हाई सीरम यूरिया कैन प्रेजेंट विद पेरिकार्डाइटिस, एनसेफेलोपैथी, सीन इन एस्टेरिक्सिस, एनोरेक्सिया, नाइजिया, प्रोनाउंस यूरिपियन, ये पी से क्या होगा, पेरिकार्डाइटिस होगा, ई से एनसेफेलोपैथी होगा, ए से एनोरेक्सिया हो गया, एनोरेक्सिया कहते हैं भूख में कमी होगी, लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है, एंड एन हो गया नाइजिया हो गया, और इसको फिर क्या करते हैं यहाँ पे यूरोपियन यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन इसके लिए मैनेजमेंट हम डायलिसिस करेंगे, ठीक है। अब आते हैं एस्टेरिक्सिस, ये मैं आप लोगों को पढ़ लेता हूँ, क्लिनिकल साइन दैट डिस्क्राइब द इनएबिलिटी टू मेंटेन सस्टेंड पोस्चर विथ सब्सिक्वेंट ब्रीफ शॉक लाइक इनवॉलंटरी मूवमेंट, राइट, ये इसकी डिफिनेशन है। तो इसमें क्या होगा, ये क्लिनिकल साइन है, दैट डिस्क्राइब द इनएबिलिटी टू मेंटेन सस्टेंड पोस्चर विथ सब्सिक्वेंट ब्रीफ शॉक लाइक इनवॉलंटरी मूवमेंट, यानी इसमें इनवॉलंटरी मूवमेंट आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं,
रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी, रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी हमने कहा था कॉम्प्लिकेशन, ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी किसे किसे कहते हैं, कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज दैट वीकन बोन्स, यानी क्रोनिक किडनी की डिजीज है, उस कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज दैट वीकन बोन्स, क्रोनिक किडनी डिजीज की कॉम्प्लिकेशन एज अ रिजल्ट क्या होता है जिसमें बोन वीक होता है, तो उसको क्या कहते हैं, ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी, राइट। हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया हो गया, हाइपरफॉस्फेटीमिया, फॉस्फेट ज़्यादा हो गया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरफॉस्फेटीमिया, एंड फेलियर ऑफ विटामिन डी हाइड्रोक्सीलेशन एसोसिएटेड विद क्रोनिक किडनी डिजीज। सेकेंडरी हाइपरपैराथायरायडिज्म, इसमें क्या होता है, हाइपरपैराथायरायडिज्म होगा। टर्शियरी हाइपरपैराथायरायडिज्म इफ सेकेंडरी पुअरली मैनेज्ड, अगर सेकेंडरी पुअरली मैनेज किया तो फिर ये क्या होगा, टर्शियरी हाइपरपैराथायरायडिज्म होगा इसमें, ठीक है। हाई सीरम फॉस्फेट कैन बाइंड विथ कैल्शियम, इसमें सीरम फॉस्फेट जो है वो बाइंड होगा कैल्शियम के साथ, टिश्यू डिपॉजिट, डिक्रीज सीरम कैल्शियम, डिक्रीज 1-5 डाईहाइड्रोक्सी डी थ्री, ये एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी थ्री के, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, डिक्रीज इंटेस्टाइनल कैल्शियम अब्जर्प्शन, कैल्शियम अब्जर्प्शन क्या होगी, कम होगी, सो काजेस सब प्री ऑस्टियल थिनिंग ऑफ बोन, तो इसमें बोन जो है वो थिन हो जाएगी। इसको दोबारा देख लेते हैं, यहाँ पे ये कह रहा है कि हाइपोकैल्सीमिया हो गया, जब हाइपोकैल्सीमिया हो गया तो हाइपोफॉस्फेटीमिया, यानी हाइपोकैल्सीमिया हो गया, हाइपरफॉस्फेटीमिया होगा, एंड फेलियर ऑफ विटामिन डी, और विटामिन डी फेलियर होगी, हाइड्रोक्सीलेशन एसोसिएटेड विद क्रोनिक किडनी डिजीज, ये क्रोनिक किडनी डिजीज के साथ ही एसोसिएटेड है, तो इसमें फिर क्या होगा, सेकेंडरी हाइपर पैराथायरायडिज्म हो गया अगर इसको सही ट्रीट नहीं किया, फिर यह सेकेंडरी जो है टर्शरी में बदल जाएगी, टर्शरी हाइपर पैराथायरायडिज्म इफ सेकेंडरी पुअरली मैनेज्ड, राइट। और इसमें फिर क्या होगा, उसके बाद हाई सीरम फॉस्फेट कैन बाइंड विद कैल्शियम +2 के साथ, ये क्या होगा, फॉस्फेट बाइंड होगा, टिश्यू डिपॉजिट, डिक्रीज सीरम कैल्शियम, कैल्शियम का सीरम जो है वो कम होगा, एंड एज अ रिजल्ट जब ये कम होगा तो विटामिन डी एक्टिव फॉर्म जो है ये क्या हो गया, डिक्रीज इंटेस्टाइनल कैल्शियम अब्जॉर्प्शन, सो काजेस सब प्रियास्टल थिनिंग ऑफ बोन, और एज अ रिजल्ट जो है बोन क्या होगा, वीक होगा, राइट, या थिन होगा और वीक होगा। उसके बाद है, सो नेक्स्ट हमारे पास है रीनल सिस्टिक डिसऑर्डर। रीनल सिस्टिक डिसऑर्डर, इसके बेसिकली कितने टाइप्स होती है, फोर टाइप्स होती है, ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, आप यहाँ पे अगर देखिए ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, राइट, इसको थोड़ा। उसके बाद है ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल किडनी डिजीज एंड सिंपल वी एस कम्प्लेक्स रीनल सिस्ट, राइट। पहले अगर देखें सो ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, इसमें क्या होता है, न्यूमरस सिस्ट इन कार्टेक्स एंड मेडोला, इन कार्टेक्स एंड मेडोला, यानी कार्टेक्स और मेडोला में बहुत ज़्यादा सिस्ट बनते हैं, काजिंग बायलेटरल एनलार्ज किडनी, अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय किडनी पैरेन्काइमा, और उसमें क्या होती है, बायलेटरली जो है दोनों किडनी की क्या होती है, एनलार्जमेंट होती है, साइज बढ़ जाता है, और एज अ रिजल्ट पैरेन्काइमा जो है किडनी की पैरेन्काइमा वो क्या होती है, डिस्ट्रॉय होते हैं। प्रेजेंट विथ कम्बिनेशन ऑफ फ्लैंक पेन, इसमें क्या होगा, फ्लैंक पेन होगा, हिमाचोरिया हो गया, हाइपर टेंशन, यूरिनरी इन्फेक्शन, प्रोग्रेस रीनल फेलियर इन 15% ऑफ इंडिविजुअल, राइट। तो यहाँ पे क्या होगी, जब भी बहुत ज़्यादा जब कार्टिक्स और मेडोला में सिस्ट जब बनते हैं सो दोनों किडनी की क्या होगी, रीनल पैरेन्काइमा जो है उसकी डिस्ट्रक्शन होगी, साइज बढ़ जाएगा किडनी का, एज अ रिजल्ट जो है प्रेजेंट विथ, इसमें क्या होगा, फ्लैंक पेन होगा, फ्लैंक पेन हमने ऑलरेडी स्टडी किया है, ये बैक साइड जो है पेन होगी, राइट। हिमाचूरिया हो गया, हाइपर टेंशन हो गया, ठीक है। हिमाचूरिया किसे कहते हैं, यूरिन में ब्लड आना शुरू होगा, हाइपर टेंशन होगा, यूरिन इन्फेक्शन एंड प्रोग्रेस रीनल फेलियर, और आखिर में रीनल फेलियर होता है 50% ऑफ इंडिविजुअल में, इस तरह होता है। म्यूटेशन इन जीन इनकोडिंग पॉलीसिस्टीन प्रोटीन, पॉलीसिस्टीन प्रोटीन जो है उसकी क्या होती है, उसमें म्यूटेशन होती है। ये PKDI यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, PKD1 है, ठीक है, PKD1 इनकोड प्रोटीन पॉलीसिस्टीन वन, इनकोड प्रोटीन पॉलीसिस्टीन वन PKD1 एंड PKD2 जीन, ये इनके अंदर क्या आएगी, म्यूटेशन आएगी। PKD1 85% ऑफ केस क्रोमोसोम 16 में क्या होगी, या 85% ऑफ केस में PKD1 होता है और उसमें क्रोमोसोम 16 में क्या आती है, म्यूटेशन आती है। और PKD2 15% ऑफ केस क्रोमोसोम 4 में क्या आती है, म्यूटेशन आती है। अगर इसकी कॉम्प्लिकेशन देखें, कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड क्रोनिक किडनी डिजीज एंड हाइपरटेंशन, इसमें क्या होगा, क्रोनिक किडनी डिजीज हो गया, हाइपरटेंशन इसका आएगा, ठीक है।
कास्ट बाई इंक्रीज रिनिन प्रोडक्शन, और इसमें रिनिन का जो प्रोडक्शन है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये हमने पिछले उसमें पढ़ लिया था, जब भी बीपी कम होता है, इन सेल कम होता है एंड सिंपथेटिक टोन ज़्यादा हो जाती है, सो रिनिन एंजियोटेंसिस जो है एल्डोस्टेरोन सिस्टम क्या होता है, रास एक्टिवेटर जिसको कहते हैं, वो एक्ट होता है, ठीक है। और ग्लोमेरुलर सेल जो है उसे क्या होता है, जस्टा ग्लोमेरुलर सेल से रिनिन रिलीज होता है, ठीक है, रिनिन रिलीज होता है। और जो लीवर से एंजियोटेंसिन 1 जो है वो 2 में फिर क्या होता है, कन्वर्ट करता है, ये हमने पिछले पढ़ लिया था। सो यहाँ पे भी क्या होगा, इसके कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड, अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हो, तो मतलब वो सिस्ट कार्टेक्स और मेडुला में जब बहुत ज़्यादा हो, तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, रिनिन रिलीज होता है, ठीक है। और रिनिन जब रिलीज होगा तो फिर क्या होगी, हम लोगों ने ऑलरेडी इसको पढ़ लिया था, रिनिन जब ये रिलीज होगा ज़्यादा, सो एंजियोटेंसिन 1 जो है एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और एंजियोटेंसिन 1 जब 2 में कन्वर्ट हो जाता है, तो एज अ रिजल्ट क्या होती है, सो एंजियोटेंसिन 1 2 में कन्वर्ट हो जाता है, और 2 जो है वो फिर क्या करता है, वेजो कंस्ट्रक्शन करता है, एज अ रिजल्ट हाइपरटेंशन होती है, ठीक है। सो कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड क्रोनिक किडनी डिजीज एंड हाइपरटेंशन कास्ट बाई इंक्रीज रिनिन प्रोडक्शन एसोसिएटेड विद बेरी एनोरिज्म, इसमें फिर क्या होती है, बेरी एनोरिज्म के साथ ये इसका क्या है, एसोसिएटेड है, ठीक है, बेरी एनोरिज्म के साथ इसका एसोसिएटेड है एनोरिज्म। तो एनोरिज्म आप लोगों को पता होगा, एन एबनॉर्मल स्वेलिंग और बल्जिंग ऑफ द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स सच इज एन आर्टरी, यानी आर्टरी जो है वो क्या हो गया, वो उसमें एबनॉर्मली स्वेलिंग होगी या बल्जिंग होगा, यानी उस बल्जिंग टाइप होगी, ठीक है, स्वेलिंग होगी ब्लड वेसल्स, तो उसको हम क्या कहते हैं, एनोरिज्म। एनोरिज्म एन एबनॉर्मल स्वेलिंग और बल्जिंग ऑफ द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स सच इज एन आर्टरी, राइट। एसोसिएटेड विद बेरी एनोरिज्म मेटल वाल्व प्रोलेप, ये मेटल वाल्व जो है वो क्या होगा, प्रोलेप होगा, अपनी जगह से नीचे आ जाएगा। बेनाइन हेपेटिक सिस्ट एंड हेपेटिक सिस्ट जो है वो क्या बन जाएंगे इसमें, एंड डाइवर्टिकुलोसिस, एंड उसमें फिर डाइवर्टिकुलोसिस बन जाएगी। डाइवर्टिकुलोसिस किसे कहते हैं, वेन स्मॉल बल्जिंग पाउच डाइवर्टिकुलाइड जिसको कहते हैं, डाइवर्टिकुलाइड डिवेलप इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डिवेलप इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, राइट, तो उसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्टिकुलाइज। और प्रोलेप्स कैसे कहते हैं, विन एन आर्गन आर टिश्यू फॉल आउट ऑफ प्लेस आर स्लिप डाउन, यानी जब आर्गन या टिश्यू जो है वो स्लिप हो, अपनी जगह से हिले, तो उसको क्या कहते हैं, प्रोलेप होता है, ठीक है। सो यहाँ पे एसोसिएटेड विद बेरी एनोरिज्म मेटल वाल्व प्रोलेप बिनाइन हेपेटिक सिस्ट एंड डाइवर्टिकुलोसिस होगी। इसके ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट इफ हाइपरटेंशन इज प्रोटीन्यूरिया डिवेलप ट्रीट विद ACE इनहिबिटर आर ARBs। ACE किसे कहते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इसको देंगे, और इनहिबिटर इसको देखिए, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, राइट, और ARBs एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स इसके ट्रीटमेंट के लिए देंगे, अगर हाइपरटेंशन या प्रोटीन्यूरिया हो, मतलब वो अगर हाइपरटेंशन या प्रोटीन्यूरिया हो, यूरिन में प्रोटीन आना शुरू हो, तो हम क्या करेंगे, एसिन इनहिबिटर देंगे और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर देंगे, राइट। नेक्स्ट है ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज भी वही है, उसमें क्या होती है, म्यूटेशन इन PKHD1, इसमें क्या होती है, म्यूटेशन आ जाती है इन PKHD1 फाइब्रोसिस्टीन है, ठीक है, इसमें ये जीन में क्या होती है, म्यूटेशन आती है, सिस्टिक डायलेशन ऑफ कलेक्टिंग डक्ट उसमें क्या आती है, उसकी डायलेशन हो जाती है, ऑफन प्रेजेंट इन इन्फेंसी बचपन में हो जाती है, एंड मे बी सीन ऑन प्रीनेटल अल्ट्रासाउंड, और अल्ट्रासाउंड से हम उसको क्या कहते हैं, प्रीनेटल लाइफ में इसको देख सकते हैं। एसेट्स विद कंजेनिटल हेपेटिक फाइब्रोसिस, इसमें कंजेनिटल हेपेटिक फाइब्रोसिस होती है, कंजेनिटल मतलब पैदाइशी हो गया ना, ये हेपेटिक लीवर को कहते हैं, और फाइब्रोसिस थिकनिंग और स्कारिंग ऑफ द टिश्यू, इसमें टिश्यू या जो टिश्यू जो होता है वो क्या होता है, थिक होता है और स्कारिंग होती है, फाइब्रोसिस किसे कहते हैं, थिकनिंग और स्कारिंग ऑफ द टिश्यू, राइट। सो यहाँ पे क्या होता है, एसोसिएटेड विद कंजेनिटल हेपेटिक फाइब्रोसिस सिग्निफिकेंस ओलिगुरिया रीनल फेलियर इन यूट्रो कैन लीड टू पोटर सीक्वेंस, मतलब ये है उसमें हेपेटिक फाइब्रोसिस होगी, एज अ रिजल्ट जो है उसके जो ओलिगुरिया हो जाएगा, और जब भी ओलिगुरिया हो गया, आप लोगों ने याद रखना है, ये एमनियोटिक फ्लूड जो है वो कम होगा, ओलिगोहाइड्रोमिनास होगा, और उसके रिजल्ट में पोटर सीक्वेंस होगी। कंसर्न बियॉन्ड न्यूनेटल पीरियड इंक्लूडिंग सिस्टम हाइपरटेंशन, सिस्टमिक हाइपरटेंशन, प्रोग्रेसिव रीनल इंसफिशिएंसी एंड पोर्टल हाइपरटेंशन फॉर्म कंजेनिटल हेपेटिक फाइब्रोसिस, राइट। सो ये आप लोगों ने याद रखा, ये इतना कोई खास इतना अहम नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ना तो है। ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल
किडनी डिजीज, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल किडनी डिजीज। तो इसमें क्या होगा, आल्सो कॉल्ड मेडुलरी सिस्ट किडनी डिजीज, इसको मेडुलरी सिस्ट किडनी डिजीज भी कहते हैं, ठीक है, मेडुलरी सिस्ट किडनी डिजीज। ये ट्यूबुल और इंटरस्टिशियम जो है, इंटरस्टिशियम जो है उसमें क्या होता है किडनी डिजीज, उसके डिजीज है ऑटोसोमल डोमिनेंट है। आल्सो कॉल्ड मेडुलरी सिस्ट किडनी डिजीज, इसमें क्या होता है मेडुला के अंदर सिस्ट बनते हैं। कॉज ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस एंड प्रोग्रेसिव रीनल इनसफिशेंसी विद इनएबिलिटी टू कंसनट्रेट यूरिन, राइट। सो इसमें क्या होता है काजेज ट्यूबुलो इंटरस्टिशियम जो है उसमें क्या होता है स्कारिंग बन जाता है, उसके टिश्यू जो है वहाँ पर स्कारिंग होगी। एंड प्रोग्रेसिव रीनल इनसफिशियंसी विद इनएबिलिटी टू कंसनट्रेट यूरिन। मेडुलरी सिस्ट यूजली नॉट विजुलाइज्ड, मेडुलरी सिस्ट विजुलाइज नहीं होता है। स्मॉलर किडनी ऑन अल्ट्रासाउंड, किडनी में जो जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो किडनी क्या होगी साइज कम होगा। पुअर प्रोग्नोसिस और इसकी तशखीस जो है वो भी पुअर होती है, ठीक है। लास्ट यहाँ पे है सिंपल वेस कम्प्लेक्स रीनल सिस्ट, सिंपल वेस कम्प्लेक्स रीनल सिस्ट, राइट। सिंपल सिस्ट को पहले देखें उसके बाद फिर कम्प्लेक्स सिस्ट को देखते हैं। अगर आप सिंपल सिस्ट को देखें आर फिल्ड विद अल्ट्रा फिल्ट्रेट इनकोइक ऑन अल्ट्रासाउंड, तो इसमें क्या होता है जब ये अल्ट्रासाउंड करते हैं आर फिल्ड विद अनफिल्ट्रेट इनकोइक ऑन अल्ट्रासाउंड, इनको ये इसको कहते हैं इनकोइक कहते हैं नो साउंड, ठीक है। सो अल्ट्रासाउंड में उसकी कोई खास फिर साउंड भी नहीं होती है, सिंपल सिस्ट होते हैं, राइट। वेरी कॉमन एंड अकाउंट फॉर मेजॉरिटी ऑफ रीनल ऑल रीनल मेसेस फाउंड इंसिडेंटली एंड टिपिकली इज सिप्टोमेटिक, राइट। ये सिप्टोमेटिक होती है। कम्प्लेक्स सिस्ट को अगर हम देखें, कम्प्लेक्स सिस्ट इंक्लूडिंग दोज डेट आर सेप्टेड इन्हांस्ड आर हैव सॉलिड कंपोनेंट ऑन इमेजिंग रिक्वायर फॉलो अप आर रिमूवल ड्यू टू पॉसिबिलिटी ऑफ रीनल कार्सिनोमा। सो इसमें क्या होगा अगर कम्प्लेक्स सिस्ट को अगर आप देखें तो कम्प्लेक्स सिस्ट में इंक्लूडिंग दोज डेट आर सेपरेटेड, सो ये क्या होते हैं सेपरेटेड होते हैं, सेपरेटेड ये किसे कहते हैं सेपरेटेड अलग को कहते हैं, ठीक है, तो ये अलग होते हैं। इन्हांस्ड बढ़ना यानी ज़्यादा होना एंड हे सॉलिड कंपोनेंट ऑन इमेजिंग, और जब इसका इमेजिंग करते हैं तो वहाँ पर ये इसके सॉलिड कंपोनेंट्स होते हैं। रिक्वायर फॉलो अप आर रिमूवल ड्यू टू पॉसिबिलिटी ऑफ रीनल सेल कार्सिनोमा, राइट। अगर आप यहाँ पे डायग्राम में देखें, यहाँ पे ये वाला डायग्राम जो है तो ये अगर इसको देखें तो न्यूमरस सिस्ट इन कॉर्टेक्स एंड मेडुला, कॉर्टेक्स और मेडुला में क्या होते हैं बहुत ज़्यादा सिस्ट बनी हुई है, ठीक है, ए में। और बी में अगर आप देखें ये वाला तो ये क्या होता है, इसमें म्यूटेशन इन पी के एच डी वन इनकोडिंग फाइब्रोसिस्टीन यानी सिस्ट डायलेशन, सिस्टिक डायलेशन ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट जो होती है उसके सिस्टिक डायलेशन है, इसमें स्वेलिंग हो गया, राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है रीनोवास्कुलर डिजीज, ठीक है, रीनोवास्कुलर डिजीज। रीनोवास्कुलर डिजीज यूनिलेटरल और बाइलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, इसमें क्या होती है रीनल आर्टरी या यूनिलेटरल या बाइलेटरल जो है यानी एक साइड से या दोनों साइड दोनों किडनी रीनल आर्टरी जो है उसकी क्या होती है स्टेनोसिस होती है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, रीनल की जो आर्टरी है वो क्या होती है स्टेनोसिस होती है। अगर आप यहाँ पे देखें तो रीनल आर्टरी क्या होती है स्टेनोसिस होती है, थंग होती है। जब ये रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो गया तो जाहिर बात है डिक्रीज रीनल परफ्यूजन, रीनल परफ्यूजन का क्या होगा कम होगा, मीन रीनल ब्लड फ्लो कम होगा। जब ये रीनल ब्लड फ्लो कम होगा तो रीनिन जो है वो एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस उसको रिलीज करेंगे। जब भी ये होगा तो ये क्या करेगा एंजियोटेंसिन वन को हम लोगों ने पढ़ लिया था एंजियोटेंसिन टू में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, रीनिन जो है एंजियोटेंसिन वन को टू में कन्वर्ट करेगा। और एंजियोटेंसिन वन जब टू में कन्वर्ट होगा तो एज अ रिजल्ट वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, और वेजो कंस्ट्रिक्शन के बाद फिर हाइपरटेंशन होगी, राइट। सो ये आप लोगों ने याद रखना है रीनोवास्कुलर डिजीज, इसमें यूनिलेटरल और बाइलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस होती है। आर ए एस कहते हैं रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, डिक्रीज रीनल ब्लड फ्लो या परफ्यूजन, इंक्रीज रीनिन रीनिन जो है वो ज़्यादा होगा, एज अ रिजल्ट इंक्रीज एंजियोटेंसिन एंड हाइपर टेंशन होगा। मोस्ट कॉमन काज ऑफ सेकेंडरी हाइपर टेंशन इन एडल्ट, और एडल्ट में ये क्या होगा सेकेंडरी हाइपर टेंशन होगी। मेन काजेज ऑफ रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस की जो मेन काजेज है कितनी है अगर आप देखें तो रीनल आर्टरी की मेन चार जो है उसके क्या मेन काजेज है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल है एथेरोस्क्लेरोटिक बल्क बनते हैं। प्रोक्सिमल 1/3 ऑफ रीनल आर्टरी यूजली इन ओल्डर मेल आज स्मोकर, यानी ओल्डर मेल जो है या स्मोकर जो है उनमें क्या होती है 1/3 अगर आप इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे क्या होगा एथेरोस्क्लेरोटिक बल्क बनते हैं, यानी फेट वगैरह या उसके क्या होते हैं
डिपोजिशन होती है, ठीक है, यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोटिक बल्ब जिसको कहते हैं। उसके बाद ये फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया, डिस्प्लेजिया यहाँ पे क्या होता है, फाइब्रोमस्कुलर जो है डिस्प्लेजिया होती है, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ ये सेकंड जो है फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया, ठीक है। सो मेन काजेज अफ्राज में फर्स्ट है एथेरोस्क्लेरोटिक बल्ब, फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया सेकंड, एंड देन वी हैव यूनिलेटरल रास एंड बाइलेटरल रास, यानी यूनिलेटरल रीनल किडनी स्टेनोसिस, राइट। सो सेकंड यहाँ पे है फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया। फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया कहते हैं डिस्प्लेजिया, ठीक है, डिस्प्लेजिया कहते हैं एन इंक्रीज इन एबनॉर्मल सेल ग्रोथ और डिवेलपमेंट। जब भी सेल की जो ग्रोथ होती है वो एबनॉर्मल हो या क्या हो, जब सेल की तादाद बढ़ जाए या उसके ग्रोथ जो है एबनॉर्मलिटी, उसमें एबनॉर्मलिटी आ जाए या डेवलपमेंट में एबनॉर्मलिटी आए, उसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेजिया। एन इंक्रीज इन एबनॉर्मल सेल ग्रोथ आर डेवलपमेंट, सेल की ग्रोथ में या डेवलपमेंट में क्या हो, एबनॉर्मलिटी ज़्यादा हो, उसको डिस्प्लेजिया कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया डिस्टल 2/3, अगर आप डायग्राम में देखें, अफ्रीनल आर्टरी आर सेगमेंटल ब्रांच यूजली यंग और मिडल एज्ड फीमेल, राइट, उसमें हो जाती है। फॉर यूनिलेटरल रास, रास कहते हैं रीनल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, राइट। सो रीनल आर्टरी यूनिलेटरल अगर एक में हो, इफेक्टेड किडनी कैन एट्रॉपी, किडनी जो है वो एट्रॉपी करेगी। एट्रॉपी मतलब उसका साइज जो है, किडनी का साइज़ क्या होगा, उसमें कम हो जाएगा यूनिलेटरल रास में। यूनिलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस होगा, इफेक्ट किडनी कैन एट्रॉपी। एसाइमेट्रिक किडनी इन साइज, किडनी साइज जो है वो एसाइमेट्रिक हो जाएगा। एक साइमेट्रिक होता है, साइमेट्रिक किसे कहते हैं, जो टू इक्वल पार्ट्स में डिवीजन हो, और एसाइमेट्रिक किसे कहते हैं, जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड ना हो, राइट। किडनी साइज तो यहाँ पे क्या होता है, एसाइमेट्रिक होता है किडनी साइज। इसको दोबारा पढ़ते हैं, फॉर यूनिलेटरल रास अफेक्टेड किडनी कैन एट्रॉपी एसाइमेट्रिक किडनी साइज, राइट। रीनल वेनस वेनस सैंपलिंग विल शो इंक्रीज रीनिन इन अफेक्टेड किडनी, डिक्रीज रीनिन इन अनएफेक्टेड किडनी, राइट। फॉर बाइलेटरल रास, रास कहते हैं रीनल किडनी रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, ये याद रखना है। फॉर बाइलेटरल रास, बाइलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, जब दोनों किडनी में रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो, पेशेंट कैन हैव अ सडन राइज इन क्रिएटिनिन आफ्टर स्टार्टिंग एन एसिन इनहिबिटर ARB, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर आर रीनिन इनहिबिटर ड्यू टू देयर इंटरफेरेंस ऑन रास मेडिएटेड रीनल परफ्यूजन, राइट। सो इसमें क्या होगा, जब बाइलेटरल जो है रीनल आर्टरी स्टेनोसिस होती है और पेशेंट कैन हैव अ सडन राइज इन क्रिएटिनिन, मतलब जब पेशेंट जो है एसिन इनहिबिटर लेता है या ARB लेता है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, तो उसका या रीनिन इनहिबिटर इसी तरह जो, तो ये फिर क्या होता है, ये क्रिएटिनिन लेवल जो है वो क्या होता है, अचानक बढ़ जाता है, ठीक है। कैन प्रेजेंट विद सवियर रिफेक्टरी हाइपरटेंशन, तो उसमें क्या होता है, फिर सवियर हाइपरटेंशन आ जाता है। फ्लैश पल्मोनरी एडिमा, एडिमा हो जाता है उसमें। एपिगास्ट्रिक फ्लैंक ब्रूट, ये ब्रूट कहते हैं, ये ब्रूट जो है ये मरमर है, ठीक है, मरमर हियर्ड ओवर द एब्डोमेन, यानी एब्डोमेन में ये चिड़ चिड़ की आवाज़ आती है, वाइब्रेशन टाइप होती है, मरमर, इसके डिफिनेशन है मरमर्स हियर्ड ओवर द एब्डोमेन, यानी एब्डोमेन में मरमर की आवाज़ सुनने को मिलेगी, ठीक है, ये याद रखना है। एपिगास्ट्रिक और फ्लैंक ब्रूट ब्रूट कहते हैं। पेशेंट विद रास में also have stenosis in other large vessels, patient में जब भी रास होगा so renal artery stenosis होगी, so तो उसमें other जो vessels वगैरह वहाँ भी क्या होगी, stenosis होगी, right। so next topic की तरफ चलते हैं, इसको थोड़ा तेज तेज पढ़ते हैं इस विषय, ठीक है। renal cell carcinoma, renal cell carcinoma ये polygonal clear cells होते हैं, इसमें क्या होते हैं polygonal clear cell, अगर आप यहाँ ए डायग्राम में देखें तो ये polygonal clear cell है, फिल्ड विद अकोमुलेटेड लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सफेद सफेद जो है क्या है, यहाँ पे ये लिपिड जो है वो अकोमुलेट हो गए, उसके जम हो गए, ठीक है, एंड कार्बोहाइड्रेट। अफन गोल्डन येलो, ये गोल्डन येलो होते हैं, अगर आप बी में डायग्राम देखें तो इसी तरह होते हैं, ड्यू टू इंक्रीज लिपिड कंटेंट, जब लिपिड कंटेंट ज़्यादा होगा तो ये क्या होगा, फिर गोल्डन येलो हो जाएगा। ओरिजिनेटेड फ्राम प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल इनवेड्स, इन्वेट्स मतलब हमला करना, रीनल वेन पर यह हमला करता है। मे डिवेलप वेरिकोसिली, सो उसमें फिर क्या होता है, वेरिकोसिली होती है इफ लेफ्ट साइडेड। वेरिकोसिली कहते हैं इस इनलार्जमेंट ऑफ द वेन इन द स्क्रोटम, यानी स्क्रोटम में जो वेन होती है वो इनलार्जमेंट होती है, ठीक है, बढ़ जाती है। कौन सी वेन है,
पम्पिनी फॉर्म प्लेक्स, ये याद रखना है, इसको वेरिकोसिली कहते हैं। उस उसकी क्या होती है, इनलार्जमेंट ऑफ द वेन इन स्क्रोटम, स्क्रोटम में जो वेन है वो क्या होती है, रिजल्ट इनलार्ज होती है। ओरिजिनेट फ्रॉम प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल इन वेट्स रीनल वेन मे डेवलप वेरिकोसिली इफ लेफ्ट साइडेड। आईवीसी और उसके बाद फिर इन्फीरियर वेना केवा जो है वो भी क्या होगी, उसमें उस पर भी हमला करेगा, ठीक है, ये आप लोगों ने देखना है। हेमाटोसिप्रेट मेटास्टेसिस टू लंग एंड बोन, ये फिर लंग और बोन को मेटास्टेसिस करेगा। मैनिफेस्टेशन विथ फ्लैंक पेन, पल्पेबल मास इसमें होगा, फ्लैंक पेन होगा, बैक साइड पेन होगी, पल्पेबल मास होगा, हेमाचूरिया होगा। क्लासिक ट्रायड, ये क्लासिक ट्रायड है, इसमें फ्लैंक पेन, पल्पेबल मास एंड हेमाचूरिया, ये तीन चीज़ें होगी, एज वेल एज एनीमिया, और फिर एनीमिया होगा। सेकेंडरी पॉलीसिथीमिया, और ये फिर क्या होगा, सेकेंडरी पॉलीसिथीमिया, पॉलीसिथीमिया कहते हैं इंक्रीज रेड ब्लड सेल, यानी इसमें रेड ब्लड सेल जो है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, या इरिथ्रोसाइटोसिस होगी, मतलब इरिथ्रोसाइटोसिस भी उसे कहते हैं, ठीक है, रेड ब्लड सेल ज़्यादा होगा उसमें। सो अगर आप यहाँ पे देखें, सो सेकेंडरी पॉलीसिथीमिया लेस कॉमन, फीवर वेट लॉस होगा, ठीक है, फीवर होगा और वेट लॉस, ये इसकी क्या है मैनिफेस्टेशन क्लिनिक में। इसको दोबारा पढ़ लेते हैं, मैनिफेस्टेशन विथ फ्लैंक पेन, पल्पेबल मास, हेमाचूरिया एंड सेकेंडरी पॉलीसिथीमिया, फीवर वेट लॉस, राइट। ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, सर्जरी करेंगे और एब्लेशन फॉर लोकलाइज टिश्यू, एब्लेशन कहते हैं कटना, कट करना, ठीक है, सर्जरी के जरिए किसी चीज़ को रिमूव करना। सो इसमें क्या करेंगे, या सर्जरी करेंगे या इसमें लोकलाइज टिश्यू जो है उसको सर्जरी के जरिए रिमूव करेंगे, एब्लेशन, राइट, एब्लेशन सर्जरी के जरिए रिमूव करना। उसके बाद फिर कहाँ पे था, इम्यूनोथेरेपी करेंगे, एग्जांपल इपी लिम, ये इसको इस तरह प्रोनाउंस करते हैं, आर टारगेट थेरेपी फॉर मेटास्टेटिक डिजीज, राइट। रेयरली क्रिएटिव होगी, रेजिस्टेंट टू रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी, और कीमोथेरेपी और रेजिस्टेंस ये पे क्या होगी, कोई रिस्पांस श्योर नहीं करेगी, नो रिस्पांस श्योर करेगी। सो बेसिकली अगर आप देखें दोबारा, रीनल सेल कार्सिनोमा इसमें क्या होते हैं, पॉलीगोनल क्लियर सेल जो है, अगर आप देखें ये इसमें क्या होता है, फिल्ड विद अकोमोलेटेड लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स, ये क्या होता है, अकोमोलेट इसके उसमें जमा हो जाते हैं, ठीक है। और गोल्डन अगर आप देखें तो ये गोल्डन येलो होता है, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज लिपिड कंटेंट इंक्रीज होती है। उसके बाद अगर उसके उसमें क्या होता है, फ्लैंक पेन होता है, पल्पेबल मास होता है, हेमाचूरिया होता है, ठीक है, एंड फीवर वेट लॉस होता है। ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे इसके लिए, लोकलाइज डिजीज यानी उसके लिए सर्जरी करेंगे या उसकी जो टिश्यू वगैरह जो है उसको कट करेंगे, ठीक है, इम्यूनोथेरेपी करेंगे उसके लिए, और मेटास्टेसिस डिजीज होगी इसमें। और ये रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी से कोई खास उसमें रिस्पांस नहीं देता है। मोस्ट कॉमन प्राइमरी रीनल मेलिग्नेंसी, प्राइमरी रीनल मेलिग्नेंसी से ये क्या होता है, इसमें मोस्ट ज़्यादा कॉमन होता है, अगर आप यहाँ पे देखें ये मोस्ट कॉमन प्राइमरी रीनल मेलिग्नेंसी, मोस्ट कॉमन इन मेल 50 to 70 ईयर ओल्ड, मेल में ये क्या होता है ज़्यादा होता है, ठीक है, इंक्रीज विद टोबैको स्मोकिंग एंड ओबेसिटी, राइट, इन चीज़ों से क्या होती है, ज़्यादा होती है, एसोसिएटेड विद पैरान्योप्लास्टिक सिंड्रोम, और ये पैरान्योप्लास्टिक सिंड्रोम से एसोसिएटेड होता है, ये पैरान्योप्लास्टिक सिंड्रोम इसमें क्या होता है, इसमें अगर आप देखें PTHRP ये जो लिखा है इसका मतलब है पैराथायराइड हार्मोन रिलेटेड प्रोटीन, पैराथायराइड हार्मोन रिलेटेड प्रोटीन, राइट। एक्टोपिक पीईओ ये पीओ कहते हैं ईपीओ कहते हैं एरिथ्रोपोइटिन को, ACTH कहते हैं एडीनो कार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, रिनिन पियर इनोप्लास्टिक। तो ये इस तरह हम लोग याद करेंगे, ये PEAR पियर से याद रखेंगे, ठीक है, इसका मतलब ये है पैराथायराइड हार्मोन रिलेटेड प्रोटीन, इसमें एक टॉपिक है एरिथ्रोपोइटिन एंड एडीनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन एंड रिनिन इसके अंदर आते हैं। क्लियर सेल मोस्ट कॉमन सब टाइप एसोसिएटेड विद जीन डिलीशन ऑन क्रोमोसोम 3, सिपरोडोटिक आर इन हेरिटेड एज वान हिपल लिंडुआ सिंड्रोम, ये आप लोगों ने यहाँ पे याद रखना, ये नीचे आता है VHL वान हिपल लिंडुआ सिंड्रोम RCC, थ्री लेटर क्रोमोसोम 3 पे होगा एसोसिएटेड विथ VHL आल्सो थ्री लेटर, राइट।
सो इसमें ये आरसीसी, इसका मतलब है रीनल सेल कार्सिनोमा जो है। रीनल सेल कार्सिनोमा ये 3 लेटर होगा, ठीक है। रीनल सेल कार्सिनोमा 3 लेटर है, क्रोमोसोम 3 पर होगा, एसोसिएटेड विद, और किसके साथ एसोसिएशन होगी, वॉन हिपल लेंडो सिंड्रोम, राइट। ये भी 3 लेटर है, अगर इस वजह से इसको 3 लेटर कहते हैं, क्योंकि ऊपर भी आरसीसी है एंड VHL भी 3 लेटर है, ठीक है। सो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रीनल ऑन्कोसाइटोमा। ये ऑन्कोसाइटोमा किसे कहते हैं? ऑन्कोसाइटोमा रेयर टाइप ऑफ बेनाइन किडनी डिजीज, ये बहुत रेयर है, बेनाइन किडनी डिजीज है, ठीक है। एक मिलेगनेंस होती है और दूसरे बेनाइन होती है, ठीक है। तो ये बेनाइन है। इसमें क्या होता है, रीनल एपिथेलियल सेल ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट, बेनाइन, सॉरी, ये रीनल ऑन्कोसाइटोमा बेनाइन एपिथेलियल सेल ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट। तो उसमें क्या होता है कि ये बिनाइन इपिथेलियल सेल के ट्यूमर से थे, ठीक है, अराइजिंग फ्रॉम ये कलेक्टिंग डक्ट से क्या निकलते हैं। अगर आप यहाँ पे पॉइंट ए में, अगर यहाँ पे अगर आप देखें इस डायग्राम में, तो ये कह रहा है पॉइंट टू विल सरकमस्क्राइब्ड मास, यहाँ पे सरकमस्क्राइब्ड मास नज़र इस तरह आता है, विथ सेंट्रल स्कार, और बीच में क्या बना हुआ, स्कार बना हुआ है। लार्ज इसिनोफिलिक सेल विद एबंडेंट माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया विदाउट प्री न्यूक्लियर क्लियरिंग, और इसमें फिर प्री न्यूक्लियर क्लियरिंग होता है। ये प्री न्यूक्लियर क्लियरिंग कहते हैं इररेगुलर आफ्ता, इसमें क्या होता है, अ क्लियर एरिया अराउंड द न्यूक्लियस, यानी उसके प्री न्यूक्लियर क्लियरिंग में अ क्लियर एरिया अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है वो फिर क्लियर एरिया नज़र आती है, ठीक है। इसको कहते हैं, अगर आप डायग्राम में देखिए, ये न्यूक्लियस है और क्लियर एरिया नज़र आती है। VS क्रोमबोफोब, क्रोमोफोब रीनल सेल कार्सिनोमा प्रेजेंट विद पेनलेस हिमाचूरिया, फ्लैंक पेन, एब्डोमिनल मास, इसमें 3 चीज़ें आती है, पेनलेस हिमाचूरिया होती है, ठीक है, फ्लैंक पेन होती है बैक साइड पे, एंड जो है एंड इसमें एब्डोमिनल मास होता है, ठीक है। ऑफन रिस्ट्रिक्टेड टू एक्सक्लूड मिलेगनेंसी, और इसको फिर क्या किया जाता है, ये मिलेगनेंसी है तो इस वजह से इसको काट दिया जाता है, एग्जाम्पल रीनल सेल कार्सिनोमा, ठीक है, रीनल सेल कार्सिनोमा होती है, इसको काट दिया जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है नेफ्रोब्लास्टोमा। नेफ्रोब्लास्टोमा उसे कहते हैं, नेफ्रोब्लास्टोमा अगर आप इसको देखें तो ये भी इतना सिंपल है, नेफ्रोब्लास्टोमा आल्सो कॉल्ड विलम्स ट्यूमर, इसको विलम्स ट्यूमर कहते हैं, ठीक है, ये आपने यहाँ याद रखना है, विलम्स ट्यूमर, और इसको अगर विलम्स ट्यूमर है, मोस्ट कॉमन रीनल मेलिग्नेंसी ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एज 2 to 4 में, ये क्या होती है, मोस्ट कॉमन होती है चाइल्डहुड में, ये क्या कॉमन है, कंटेन एम्ब्रियनिक ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर, और ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, एम्ब्रियनिक ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर उसमें मुश्तमिल है, मोस्ट ऑफन प्रेजेंट विद लार्ज पल्पेबल यूनिलेटरल फ्लैंक मास, राइट, लार्ज होते हैं, पल्पेबल होती है, एंड यूनिलेटरल फ्लैंक मास इसमें शो करता है, एंड हिमाचूरिया एंड पॉसिबल हाइपरटेंशन, और उसमें हाइपरटेंशन भी होता है, कैन बी एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ फंक्शन, म्यूटेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेस जीन WT1 or WT2 ऑन क्रोमोसोम 2W2MS ट्यूमर, राइट। सो इसमें क्या होता है, ये कैन बी एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन ऑफ ट्यूमर, इसमें मतलब जो है उसके फंक्शन वगैरह लॉस होते हैं, मे बी पार्ट ऑफ सेवरल सिंड्रोम, ये सेवरल सिंड्रोम के पार्ट होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, वेगार कम्प्लेक्स, डीनिया स्ट्रेश सिंड्रोम, बेक विद वाइडीमन सिंड्रोम, वाइडीमन सिंड्रोम, वेगार कम्प्लेक्स में अगर आप देखें तो यहाँ पे नाम से पता है WAGR है, WAGR, सो डब्ल्यू से विलियम्स ट्यूमर, इसमें होगा इन इरीडिया, इन इरीडिया कहते हैं एब्सेंस ऑफ आयरस, ये आइस की बीमारी, एब्सेंस ऑफ आयरस हो गई, जेनेटो यूरिनरी मलफॉर्मेशन इसमें हो गए, रेंज ऑफ डेवलपमेंट डिलेज WT1 डिलीशन, ठीक है। सो वेगार कम्प्लेक्स में विलियम्स ट्यूमर, इन इरीडिया, एब्सेंस ऑफ आयरस, जेनेटो यूरिनरी मलफॉर्मेशन, डीन स्ट्रेश सिंड्रोम, इसमें यहाँ पे क्या होगा, विलियम्स ट्यूमर हो गए, डिफ्यूज मेसेंजियल स्क्लेरोसिस, अर्ली ऑनसेट नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स, राइट। इसमें डिफ्यूज मेनिंजियल जो होते हैं उसमें क्या होते इसमें स्क्लेरोसिस वगैरह होती है, ठीक है, किधर था, सो डिनेस्ट्रेस सिंड्रोम, विलियम्स ट्यूमर, डिफ्यूज मेसेंजियल स्क्लेरोसिस, अर्ली ऑनसेट नेफ्रोटिक सिंड्रोम, राइट, डिसजेनेसिस ऑफ गोनेट्स, इसमें गोनेट्स जो है उसमें डिसजेनेसिस होती है, मेल सूडो हर्माफ्रोडिटिज्म, इसमें क्या हो गया, जब ये होगा तो इसको ये इसको कहते हैं डिसजेनेसिस ऑफ गोनेट्स, गोनेट्स नहीं हो गया, ठीक है, इसको कहते हैं सूडो हेमाफ्रोडिटिज्म, WT1 म्यूटेशन इसमें हो गए, बेक विद
विडिमन सिंड्रोम, इसको कहते हैं विलियम्स ट्यूमर इसमें होगा, ठीक है। विलियम्स ट्यूमर को किसे कहते हैं, ये विलियम्स ट्यूमर नेफ्रोब्लास्टोमा को कहते हैं, ठीक है, आल्सो कॉल्ड विलियम्स ट्यूमर, उसमें ट्यूमर वगैरह बन जाएगी, ये बेसिकली कैंसर है। मैक्रोग्लासिया, मैक्रोग्लासिया होगा, मैक्रोग्लासिया आप लोगों को पता होना चाहिए, ये मैक्रोग्लासिया है इनलार्ज्ड टंग, ये जबान जो है वो क्या होगी इसमें बड़ी हो जाएगी, ठीक है, इनलार्ज्ड टंग होगा। एंड ऑर्गेनोमेगेली होगी, यानी ऑर्गन वगैरह वो लार्ज होंगे। हेमी हेमी और इसमें हेमी हाइपरप्लेजिया हो गया, हेमी हाइपरप्लेजिया कहते हैं वन साइड ऑफ बॉडी ग्रो मोर देन अदर, यानी एक तरफ जो बॉडी है वो क्या करेगी ग्रो हो जाएगी एज कम्पेयर टू अदर की। सो ये आप लोगों ने याद रखना, ये बहुत सिंपल है। यहाँ पे बेक विद वाइट मैन सिंड्रोम में अगर आप देखें तो विलियम्स ट्यूमर होगा, इसमें मैक्रोग्लासिया होगा, मतलब ये टंग वगैरह जो है ये क्या होगी लार्ज होगी। ऑर्गेनोमेगेली हो जाएगा, ऑर्गन वगैरह वो बड़े हो जाएंगे इसमें। एंड हेमी हाइपरप्लेजिया और एक साइड जो है वो बड़ी होगी, ठीक है। इम्प्रिंटिंग डिफेक्ट कॉजिंग जेनेटिक और ओवर एक्सप्रेशन एसोसिएटेड विद WT2 म्यूटेशन, म्यूटेशन इसमें क्या होगी ये जीन में म्यूटेशन आएगी, ठीक है। ओम्फालोसिली, ओम्फालोसिली होगी, ओम्फालोसिली किसे कहते हैं, ओम्फालोसिली अ बर्थ डिफेक्ट ऑफ द एब्डोमिन वाल, ये एब्डोमिन वाल जो है बेली जो है उसमें क्या होगी बर्थ डिफेक्ट आएगी, ठीक है, बर्थ डिफेक्ट ऑफ द एब्डोमिन वाल और बेली, राइट। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यूरोथीलियल कार्सिनोमा ऑफ द ब्लेडर, यूरोथीलियल कार्सिनोमा ऑफ द ब्लेडर आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा, इसको ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा भी कहते हैं। मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम, ये यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम जो है उसका क्या है मोस्ट कॉमन ट्यूमर है, ट्यूमर कैन अक्वर इन रीनल क्लेसिस, ये रीनल क्लेसिस में होता है, रीनल पेल्विस में होता है, यूरेटर में एंड ब्लेडर में, राइट। तो ये आप लोगों ने याद रखा है, ये यूरोथीलियल कार्सिनोमा ऑफ द ब्लेडर आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा, मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट का सबसे क्या कॉमन है उसमें और कहाँ पे होता है रीनल क्लेसिस में, रीनल पेल्विस, यूरेटर एंड ब्लेडर में ये पाया जाता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे डायग्राम ए में देखें एंड डायग्राम बी में देखें, कैन बी सजेस्टेड बाई पेनलेस हेमाचूरिया, इसमें कोई पेनलेस हेमाचूरिया होगी इसमें, यानी यूरिन में जो ब्लड आएगा लेकिन उसमें पेन नहीं होगी, ठीक है, नो कास्ट। एसोसिएटेड विद प्रॉब्लम इन योर पी सेक, पी सेक में क्या होगा प्रॉब्लम होगा पी सेक, ये अगर आप देखें तो पी एस एस सी लिखा है, फिनासिटीन टोबेको स्मोकिंग एरोमेटिक एमाइंस, ठीक है, ऐसे एरोमेटिक एमाइंस आ गया, फाउंड इन डाइज एंड साइक्लोफॉस्फामाइड, साइक्लोफॉस्फामाइड। सो यहाँ पे क्या होगा इनके साथ ये क्या है प्रॉब्लम एसोसिएटेड कहती है। लास्ट टॉपिक हमारा है रीनल पैथोलॉजी से, लास्ट टॉपिक है स्क्वमस सेल कार्सिनोमा ऑफ ब्लेडर, ब्लेडर के जो है सेल के स्क्वमस सेल जो है उसकी कार्सिनोमा, ठीक है। क्रोनिक इरिटेशन ऑफ यूरिनरी ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर जो है उसमें क्या होती है इरिटेट आती है, आगे इरिटेट इरिटेशन किसे कहते हैं, ये वैसे आम लोग इस्तेमाल भी कहते हैं, तेज वगैरह आना, ये क्या कहते हैं इरिटेशन इश्तियाल को, गुस्सा वगैरह को, ये इसमें क्योंकि यहाँ पे क्या होता है क्रोनिक इरिटेशन ऑफ यूरिनरी ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर में इरिटेशन आ जाती है, ठीक है। एज अ रिजल्ट क्या होता है स्क्वमस मेटाप्लेसिया, स्क्वमस सेल जो है उसमें मेटाप्लेसिया हो जाती है, डिसप्लेसिया और डिसप्लेसिया होता है, यानी अपना सेल की ग्रोथ जो है वह एबनॉर्मल, यह हमने पढ़ लिया था इन इंक्रीज इन एबनॉर्मल सेल ग्रोथ और डेवलपमेंट, यानी सेल के जो डेवलपमेंट है ग्रोथ में ग्रोथ जो है वो क्या होती है एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, डिस्प्लेसिया जिसको कहते हैं। एंड स्क्वमस सेल कार्सिनोमा, सो इसको दोबारा देखते हैं, क्रोनिक इरिटेशन ऑफ यूरिनरी ब्लेडर स्क्वमस मेटाप्लेसिया डिस्प्लेसिया एंड स्क्वमस सेल कार्सिनोमा। अगर इसके रिस्क फैक्टर हम देखें तो रिस्क फैक्टर या काजेज को देखें इंक्लूड 4S, इसमें 4S होते हैं, 4S कौन से होते हैं इसमें शिस्टोसोमा, इसको शिस्टोसोमा प्रोनाउंस कहते हैं, ठीक है, शिस्टोसोमा होगा, शिस्टोसोमा हेमाटोबियम इन्फेक्शन, शिस्टोसोमा हेमाटोबियम इन्फेक्शन, शिस्टोसोमा हेमाटोबियम इन्फेक्शन, मिडल ईस्ट में ये पाया जाता है। क्रोनिक सिस्टाइटस SYSTI ये लिखा हुआ है, सिस्टाइटस यानी शिस्टोसोमा भी क्या हो गया एस आ गया एंड सिस्टाइटस भी एस हो गया, स्मोकिंग आ जाती है इसमें, ये इसके काजेज है, ठीक है, रिस्क फैक्टर है शिस्टोसोमा हिमाटोबियम इन्फेक्शन, शिस्टोसोमा हिमाटोबियम इन्फेक्शन, क्रोनिक सिस्टाइटस, स्मोकिंग, क्रोनिक नीफ्रो
लिथियासिस, नेफ्रोलिथियासिस कहते हैं किडनी के स्टोन को, ये इसके क्या काजेज है, प्रेजेंट विथ पेन लेस हिमाचुरिया, और इसमें पेन लेस हिमाचुरिया होगी, ठीक है, मतलब कोई जो है हिमाचुरिया होगा और नो कास्ट होगा, यानी यूरिन जो है वो ब्लड में आएगा, ब्लड सॉरी ब्लड जो है वो यूरिन में होगा, और उसमें कोई पेन नहीं होगी, ठीक है, नो कास्ट होगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। सो अगर आप लोगों को नेक्स्ट इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे रिनल फार्माकोलॉजी को, सो काइंडली सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि न्यू कमिंग इंशाल्लाह वीडियो आपको मिल सके, और इंशाल्लाह रिनल को ख़त्म करने के बाद हम नेक्स्ट जो है चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो भी चैप्टर आप लोगों को पसंद है सो काइंडली कमेंट्स में लिखना, ठीक है, इंशाल्लाह वही स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।